रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा 100% रेगिस्तान भी पानी में डूब जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस देश के डेवलपमेंट की दुनिया दीवानी है उस देश के हालात रातों रात बदल गए। एक ऐसा बारिश का झोंका आया जिसने पूरे यूएई को डुबा दिया। लेकिन कैसे, भला कोई रेगिस्तान पानी में कैसे डूब सकता है, वो भी सिर्फ एक रात में। दोस्तों यूएई में आई बाढ़ का कारण खुद वहाँ की गवर्नमेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना। लेकिन कैसे, भला कोई अपने देश को ही क्यों डुबाएगा। अरे बताते हैं, लेकिन उसके पहले भाई मेरी 80,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। आप लोग ही बहुत स्लो सपोर्ट दिखा रहे हो मेरे भाई, या फिर मेरे वीडियो में कोई कमी रह जाती है। अगर कुछ खराब लगे तो मैं उसको ठीक करूंगा। इस वीडियो में कमेंट जरूर करना मेरे भाई, और हाँ 50 लाइक का टारगेट इस बार कम्प्लीट कर देना। तो चलते हैं वीडियो के तरफ। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुबई तेल के साथ साथ यहाँ पड़ने वाली चिलचिलाती गर्मियों के लिए भी जानी जाती है, और ये देश अक्सर इस गर्मी से बचने के लिए नकली बारिश करवाता है जिसे हम क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। और कई वेदर एनालिस्ट का कहना है कि खाड़ी देश में आई इस बाढ़ का कारण क्लाउड सीडिंग ही है। दुबई प्रेस ने अपने रिपोर्ट में ये दावा किया है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार को क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश कराने के लिए एक प्लेन को उड़ाया था। बस फिर क्या था, उसके बात जो हुआ वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ये लगातार दुबई में तबाही का कारण बनते जा रहा है। चलिए अब यहाँ तक आए हैं तो ये भी बता देते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है और कैसे नेचर को मजबूर किया जाता है कि वो जबरदस्ती बारिश करे। अब भाई ये तो हम सब जानते हैं कि इंसान इस धरती का सबसे बड़ा जानवर है, और इसका एग्जाम्पल हम दे भी रहे हैं, जैसे जबरदस्ती फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज करना, जानवरों पे अननेचुरल चीजों का यूज करना, और अब इंसान खुद को भगवान भी समझने लगा है। इसलिए जो हमने बचपन में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था अब उससे भी छेड़छाड़ होने लगी है। देखिए अगर नेचुरल तरीके से कहीं बारिश नहीं होती तो आर्टिफिशियल तरीके से नॉर्मल बादल को बारिश कराने वाले बादल में बदलने के प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए ड्राई आइस को हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन के थ्रू आसमान में बादलों के करीब स्प्रे किया जाता है, जिससे धीरे धीरे ये नॉर्मल दिखने वाला बादल काले बादलों में बदल जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि बारिश तो आर्टिफिशियल हो सकती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आसमान में बादल मौजूद हो, और जब एक निश्चित जगह के निश्चित समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटना इस बात पे निर्भर करता है कि क्लाउड सीडिंग से कितने बादल जमा हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा भाप से भरा बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दें तो बादल फट भी सकता है, और कुछ ऐसा यूएई में भी हुआ है। वैसे दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल सिर्फ यूएई जैसे देश करते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल आज तक 60 से भी ज्यादा देश कर चुके हैं, जिसमें भारत, चाइना, अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल तो एक बार लड़ाई जीतने के लिए किया था। दरअसल बात तब की है जब अमेरिका और वियतनाम के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई थी। इस जंग में अमेरिका ने वियतनाम पे क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके पूरे वियतनाम को कीचड़ से भर दिया था, ताकि वियतनाम का टैंक दलदल में फंस जाए और वो लड़ाई हार जाए। अब आइए आपको बताते अपने प्यारे भारत देश के बारे में, जहां आजादी के बाद से लगातार इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग सूखा से निपटने और डैम का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए काफी समय से किया जा रहा है। तो कहने का साफ मतलब ये है कि भारत आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन हाँ भारत ये जानता है कि उसे कब इस तरह के मॉडर्न वेपन का इस्तेमाल करना है। वैसे दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ 50 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट कर देना। जय हिंद, जय भारत देश।